गणपति बाप्पा मोरिया। तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर चलिए बनाते हैं गणपति बाप्पा का फेवरेट प्रसाद उकड़ी चे मोदक, जो बनता है राइस फ्लावर, कोकोनट और जैगरी से। बहुत ही हेल्दी ऐसा ये स्टीम मोदक होता है, जिसमें कोई हम लोग फ्राई नहीं करते, सब स्टीमिंग मेथड से कुक होता है। तो मिनिमम फैट यूज होता है इसमें, और देखिए कितना खूबसूरत लशियस हॉट मोदक और उसके ऊपर प्योर घी। तो आई एम श्योर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, मेरे तो आ रहा है। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये लशियस उकड़ीचे मोदक। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कोकोनट से, फ्रेशली स्क्रेप कोकोनट यूज करेंगे हम लोग। व्हाइट पार्ट लेना है, ब्राउन पार्ट नहीं लेना है। तो स्टफिंग के लिए हमें हाफ कोकोनट इनफ है, तो फ्रेशली स्क्रेप हाफ कोकोनट लिया है। और इसमें हम लोग डालेंगे ऑर्गेनिक जैगरी, आप रेगुलर जैगरी भी यूज़ कर सकते हो। 100 ग्राम जैगरी लिया है, उसको हम लोग ग्रेट करके लेंगे। ग्रेट करने से काफ़ी अच्छा मिक्स होता है कोकोनट और जैगरी, और इसमें लम्स नहीं होते। तो अच्छी तरह से कोकोनट और जैगरी को हाथ से हम लोग मिक्स करेंगे और इसको साइड में रखेंगे फॉर सम टाइम। इसमें क्या होगा, जैगरी मेल्ट होगा। तो जैगरी मेल्ट होते ही हम इसको गर्म करेंगे कढ़ाई में। तो कढ़ाई गर्म किए विदाउट एनी ऑयल और घी हमें ये जो मिक्सचर है इसको कुक करना है। कोकोनट में अपना एक नेचुरल ऑयल होता है, नेचुरल फैट होता है, तो इसमें कोई अलग से घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसे अच्छी तरह से हम लोग कंटिन्यूसली चला के कोकोनट और जैगरी को मिक्स करना है। इस मिक्सचर को कंटिन्यू चलाते हुए हमें लो फ्लेम पे इसे कुक करना है, हाई फ्लेम पे जलने के चांसेस रहते हैं। फ्लेवर के लिए डालेंगे हम लोग थोड़ा सा कार्डमम पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उसमें। और कंटिन्यूसली चलाते रहना है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। नॉन स्टिक पैन रियली वर्क गुड हियर। अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, मैंने इधर किशमिश, काजू और बादाम को अच्छी तरह से चॉप किया है और वो ऐड करेंगे हम लोग। काफ़ी अच्छा रिचनेस आता है इससे और बहुत ही खूबसूरत फ्लेवर। आगे हम लोग पॉपी सीड्स 2 बड़े चम्मच, जिसको हम लोग तवे पे सेक लेंगे या रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से उसका कच्चापन निकल जाता है और उसको डायरेक्टली हम लोग प्रसाद के मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं। तो ये जाएगा अपने कोकोनट वाले कुक मिक्सचर में। पॉपी सीड से काफ़ी अच्छा उसमें क्रंच और बाइट आता है, बहुत ही खूबसूरत टेस्ट भी आता है। तो अपना स्टफिंग अभी रेडी है, अब रेडी करते हैं उकड़ या राइस फ्लावर डो। 1 कप राइस फ्लावर लिया है हमें, इक्वल क्वांटिटी वाटर लेंगे। तो इसका जो रेशियो है सेम रहेगा 1:1, 1 part राइस फ्लावर 1 part वाटर। तो पानी जो है हम लोग गर्म करने रख देंगे एक छोटे पतीले में। इसमें उबाल आना इज रियली इंपॉर्टेंट, पानी अच्छी तरह से उबलना चाहिए। फिर हम लोग डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी, नमक टेस्ट के हिसाब से, और अगेन इसको ढक्कन रख के हमें इसे गर्म करना है, बहुत अच्छी तरह से उबालना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। इससे अपना डो का जो कंसिस्टेंसी काफी स्मूथ आता है। उबलते हुए पानी में हमें एक साथ राइस फ्लावर ऐड करना है। राइस फ्लावर ऐड करते ही इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि राइस फ्लावर और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें कोई लम्स ना पड़े। और पूरी तरह से दोनों इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ मिक्स होने के बाद में ढक्कन रखना है और गैस बंद कर देना है हमें। और 10 से 15 मिनट के बाद में अपना जो डो है रेडी रहेगा। अभी भी ये काफ़ी गर्म रहता है, तो वन हैव टू बी वेरी केयरफुल। साइड में लगा हुआ डो जो है उसे स्क्रेप करना है, अभी इसे हमें नीड करना पड़ेगा। नीड करने से काफ़ी अच्छा स्मूथनेस आता है इसमें। तो हम लोग इधर फूड प्रोसेसर का यूज़ करेंगे। आपके पास अगर फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हो। फूड प्रोसेसर से इसमें काफ़ी एक अच्छा स्मूथनेस और लाइटनेस आता है डो में। और इसको हम लोग चलाएंगे और विद इन फ्यू सेकेंड्स अपना डो जो है रेडी रहेगा। तो चलिए इसे निकालते हैं, और ठंडा होने से पहले इसे हमें नीड करना है और इसके मोदक स्टार्ट करने हैं। तो देखिए कितना अच्छा स्मूथ और सॉफ्ट टेक्सचर वाला डो रेडी हो गया है मोदक का। हाथ में हमें थोड़ा घी और पानी लेना है और इसको अच्छी तरह से नीड करना है, ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें काफ़ी अच्छा स्मूथनेस टेक्सचर आ जाए इसमें। और काफ़ी स्मूथ, जितना आपका डो स्मूथ रहेगा उतने आपके मोदक अच्छे बनेंगे, उसमें अच्छा एक शाइन आएगा। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू नीड द डो वेरी वेल, और ये गरम गरम ही करना है, डो ठंडा होने का वेट नहीं करना है। जिस थाली में हम लोग मोदक स्टीम करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा घी लगाएंगे और साइड में रेडी रखेंगे। अब डो को हम लोग डिवाइड करेंगे छोटे छोटे बॉल्स में, लेमन साइज का एक बॉल रहेगा, आप छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हो। और इसे अच्छी तरह से हमें मोल्ड करना है, आप देख सकते हो पाम से जैसे वीडियो में दिख रहा है। मोदक का जो शेप है पारी के ऊपर डिपेंड करता है, पारी मतलब जो बाहर का जो आउटर कवरिंग होता है राइस फ्लावर का, उसे बोलते हैं पारी, जो अभी हम लोग बना रहे वीडियो में।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, मोदक का पूरा जो शेप है इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप सारे स्टेप्स फॉलो करो जो वीडियो में दिखाए गए हैं, और खूबसूरत ऐसा पारी बनाना है जिसका जो एज रहेगा वो पतला रहेगा। बीच बीच में हमें घी और पानी का यूज करना है ताकि हाथ में ये डो चिपके ना। और बहुत ही ऐसी खूबसूरत ऐसी पारी बन चुकी है जिसमें हम लोग स्टफ करेंगे अपना स्वीट ड्राई फ्रूट और कोकोनट वाला स्टफिंग, और हम लोग प्लीट्स बनाना चालू कर देते हैं। तो ऐसे प्लीट्स बनाना है दो फिंगर्स के सहारे। तो बहुत ही खूबसूरत ऐसा हैंडमेड मोदक है ये, जिसमें हमें मोल्ड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है और घर पे ही आप आसानी से बना सकते हो। फॉलो ऑल द ट्रिक्स एंड टेक्निक शोन इन द वीडियो और आप भी परफेक्ट मोदक घर पे आसानी से बना सकते हो विदाउट मोल्ड। हाथ से ये बनाया हुआ मोदक और मोल्ड में बनाया हुआ मोदक काफ़ी डिफरेंस है, और जो खूबसूरती हाथ से बनाए हुए मोदक में है वो मोल्ड वाले मोदक में बिल्कुल नहीं है। सो वीडियो में दिखाए हुए हर एक स्टेप को आप फॉलो कीजिए और आप भी अपने घर पे बना सकते हो विदाउट मोल्ड खूबसूरत दिखने वाला उकड़ीचे मोदक, गणपति बाप्पा का फेवरेट प्रसाद। तो सारे मोदक रेडी है, चलिए हम लोग इसको स्टीम करते हैं। अभी इधर मैंने इडली स्टीमर का यूज़ किया है और इसमें हम लोग प्रिपेयर्ड थाली जो है मोदक वाला वो रखेंगे और इसको कवर करके 8 से 10 मिनट में अपने स्टीम मोदक रेडी हो जाएंगे। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खूबसूरत टेक्सचर, कलर और शाइन आया इसमें, और अपने मोदक रेडी है। अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। घर पे बनाइए ये उकड़ीचे मोदक विदाउट मोल्ड और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके मोदक कैसे बने। और जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नए रेसिपी के साथ में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग। गणपति बाप्पा मोरिया।